राम राम जी, मैं आपका दोस्त अजीत स्वागत करता हूँ आपका एक नए व्लॉग में। आज आप आए खेत में, आप मेरे पीछे देख रहे हो, यह है भाई कोठड़ा। कोठड़े आपने बहुत देखे होंगे खेत में, लेकिन ये तूड़िया कोठड़ा है जो बहुत कम देखने में मिले हैं। इसके बारे में आपने पूरी डिटेल में बतावांगे, कद बनया था, कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है, कितना ही पुराना है, सारी चीज़ आपने इस वीडियो में बतावांगे। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। मैं एक बार बैक कैमरे से आपको इसका चारों ओर का व्यू दिखा दूँ, फिर इसके बारे में बात करांगे आप। ये है जी फ्रंट का व्यू, देखिए, और ये पीछे देखिए पेड़ है जमोई का। वाह जी वाह, देखो पेड़ बहुत कम रह गए भाई, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। आपने बेरा कितनी महामारी फैल रही थी, और ऑक्सीजन की कमी इसी कारण हो रही है भाई, पेड़ नहीं रहे। देखिए साथ के साथ सुंदरता को भी कितना ज़्यादा बढ़ाते हैं पेड़। ये देखिए, ये राइट साइड का व्यू है, ये दीवार जो राइट साइड की है, ये साइड से रास्ता जाता है, और ये ऊपर जो तीन बम्बे लगे हुए हैं, ये पानी निकालने के लिए छत का, और ये बैक से देखिए, बैक से भी रास्ता जाता है, और ये पेड़ साइड में पीछे। वाह जी वाह, जमोए का पेड़ है भाई, इसकी मुरम्मत कराई जावे टाइम पे। देखो दीवारों की, ये आप देख सको, चारों तरफ से मरम्मत करवाई गई है इसकी, अंदर से भी और बाहर से भी। जमोए का पेड़ है भाई, कोर आना स्टार्ट हो गया है, थोड़े दिन में इसके जमोए लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए, यह दीवार लेफ्ट साइड में है भाई, ये देखो, आपको अंदर से और दिखा दूं एक बार। ये देखिए, ये तोड़ा पड़ा है, और ये ऊपर से छत देखिए, ये दोबारा से रिनोवेशन का काम किया भाई, तब ये पट्टी लगवाई थी, ये जो टूट गई थी सारी कड़ी है, जो पट्टी है, छत टूट गई थी। ये एक गटर है और ये दूसरा है, और वहां पीछे वो सतीर है, ये देखिए कुछ ऐसा व्यू है इसका अंदर से। ये देखिए, ये दोबारा अलग से मरम्मत करवाई हुई इसकी, ये यहाँ से भी बिल्कुल टूटने को हो गया था दीवार। देखो एक बार आप साइड में कैसे निकली हुई है, तब ये पिलर दोबारा से यहाँ से निकलवाए गए हैं, ये भी दोबारा निकलवाया है, कुछ ऐसा भी हो इसका अंदर से दिखाई देता है। जो मैं आपको बता दूं, 32 फुट की इसकी लंबाई है भाई, 8-8 फुट का एक खंड है, 8, 16, 8 या 24, 8 चौका 32, और 16 फुट के लगभग इसकी चौड़ाई है। ये लेफ्ट साइड में आपने दिखा दूं, यहाँ पर एक छोटा कोठड़ा था जहाँ में इंजन रखा हुआ था, यहाँ पे टिबल लगा हुआ था, और ये होदी थी नहाने के लिए, वो पाट दिया गया भाई, क्योंकि दूसरा समर सी टिबल लगवा दिया, पुरानी चीज़ा का अस्तित्व तो खत्म हो जावे है जब मॉडर्न चीज आ जावे है, लेकिन उनके बिना काम नहीं चलता, शमयान पर दोबारा जरूरत पड़े है। लेकिन अभी बिजली के टीवल आ गए तो इसी को खास जरूरत नहीं थी, वो टीवल अभी दबा दिया नीचे मिट्टी में, और कोठड़ा भी अड़ पाट दिया, या दीवार छोड़ रखी है उसकी एक, इस पर बैठ जावा भाई आप। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से दरवाजा था अंदर जाने के लिए। तो मेरे घरवाला ने बताया भाई, यू कोठड़ा 1985 का बनाया हुआ है, आप इसमें 5 किले का तूड़ा स्टॉक कर सका। हाँ कई जगह भाई किलिया ने कौन समझ दे, एक मेरा यार दोस्त है यूपी साइड का, वो बोलता है हमारे को किलो का नहीं पता,
मेरे को बीघा में बताओ कितने बीघे का तोड़ा इसके अंदर आ सकता है, तो मैं बीघे का बता दूं आपको, इसके अंदर 25 बीघे का तोड़ा अपन स्टॉक कर सका। हाँ, इब कई न्यू कहेंगे क्यों बनावा भाई हम तोड़ा का, जब हमारा घर आ रहा हम घर घेर लें तोड़ा भाई, खेत में कोठड़ा उससे ना फायदा बनाने का जिसका घर जगह नहीं है तोड़ा घेरने की। और आजकल गाँव में जगह बहुत कम है, रहने की जगह बहुत कम हो रही है, घर की तूड़ी खातर जो खेत में ऐसा लोगों को लगा हुए हैं उन्हें फायदा इस चीज़ का कि खेत में कोठड़ा बना लिया जावे, क्योंकि कूप में आए साल खर्चा हुआ है, इसमें एक बार रुपये लगा दें दादा ले पोता बरते। तो यू भाई कदे मेरे दादर ने बनाया था जिसने आज हम भी यूज करने लग रहे हैं। कूप बांधने में आए साल की दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, एक बगेरिया नू ला लो गोडाउन में स्टॉक हो गया। उस टाइम पर भाई जब कूप लग गए हैं खेत में फन्ने पुके जावे हैं तो भाई कूपा में आग लगने का भी डर रहा है, तो इस चीज़ से भी अपन सेफ्टी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई। अपन कूप में आए साल भाई अपन बेड बांटनी पड़े हैं, रस्सी लेकर आनी पड़े हैं, पराल की जरूरत पड़े है, नीचे फिर गमाना गड्ढा करें नीचे अपन, उड़े लकड़िया की भी जरूरत पड़े है उसका चारों ओर, तो इसमें अपन कोई दिक्कत नहीं भाई। लेबर के भी रुपये लगते लग गए हैं भाई उसमें, जब आप तूड़ा ख़त्म कर दें कूप का तूड़ा सारा ख़त्म हो जावे है तो बाद में जो डंगा बचा है उसको निकाल कर ना फिर जलाना पड़े है। मेरे पीछे साइड में देख रहे हो गए आप जो आग लग रही है, तो यहाँ पे कोना में कूप लग रहा था, अब जो बाद में जो पराल बची है जो डंगा बचा कबाड़ बचा उसको बाहर निकाल कर ना जला गया है, क्योंकि भाई उसमें ना तो कल्टीवेटर चलता ना हर रोज में लग दी, तो सारा सफाई करनी पड़े भाई वहाँ पर। यह बात है या सजेशन भाई उन खातर है जिसके घर पर तूड़ा गिरने की जगह नहीं है, जो आए साल खेत में कूप लगावे हैं, तो भाई उनके लिए यह चीज़ बहुत बढ़िया है। वैसे तो कूप बहुत सारे लगावे हैं, तो जो बेचन खातर लगावे हैं उनके तो लिए बढ़िया कूप लगाओ, क्योंकि वो लगाने के बाद एक महीने बाद भी बिक सके हैं, दो महीने बाद भी बिक सके हैं, तीन महीने बाद भी बिक सके हैं, फिर सब कुछ जितना भी वो एरिया है वो आगे बोन में आ जाएगा भाई। ठीक है, जो परमानेंट जिसने खुद के लिए जो कूप लगा हुआ है जिन्हें परमानेंट तूड़ा चाहिए भाई उसका घर आ जगह नहीं है, तो वो बंदा कोठड़ा बना सके खेत में, उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है यार। एक बात और भाई, जो ये कोठड़ा बन रहा है इसकी जो दीवारें हैं वो 14 इंची हैं, जो आज के टाइम पर बहुत कम देखने ना मिल रहे हैं कोठड़ा की दीवार, तो बहुत ज़्यादा चौड़ी दीवारें हैं इसकी, जो पुरानी ईंटों की बनी हुई हैं। आज के व्लॉग में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।